नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जिस कुंभक सूर्य नमस्कार को हटाया गया है उसको मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। भले ही फिर 2000 लोग पीछे जाकर के इस वीडियो के खिलाफ शिकायत दर्ज करें, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरी साधना, मेरी प्रतिभा और आपके प्रति मेरी जो तड़प है सही चीज़ों को बताने की, वो कभी डिलीट नहीं हो सकती है। इसलिए प्रयास जारी है, आप भी प्रयास कर दीजिए कि वो डिलीट करें और आप वायरल कीजिए, आप शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों को कमेंट कीजिए, तो हम समझेंगे कि कुंभक सूर्य नमस्कार। मैंने पिछले बार इतना ही कहा था कि देखिए गलत कई चीज़ें बताई जा रही है, मैं कभी किसी का नाम नहीं लेता हूँ, बस मैंने कहा था कि आप सही सीखिए, सही सही तरीका पता हो। और कई लोग सूर्य नमस्कार का नाम चेंज कर रहे हैं, मैंने बस कहा कि जो ऋषि की परंपरा है उसका सम्मान कीजिए, उन्होंने कुछ नाम दिया है तो रेस्पेक्ट। तो इसको लेकर के अभियान चलाया गया, मुझे पता नहीं। पहले के युग में शास्त्रार्थ होते थे, बड़े बड़े आचार्य आपस में चर्चा करते थे, डिबेट करते थे। मत का विरोध हो सकता है, मेरा मन किसी का भेद नहीं है, मेरा किसी से मन भेद नहीं है। मैं सभी आचार्यों गुरुओं को नमन करता हूँ, वो अपना कार्य करें, मेरा कार्य है सही बताना। कहीं भी योग में त्रुटि है तो मुझे लगता है कि सुधार करनी चाहिए जो आपके हित में। तो जो सूर्य नमस्कार एक प्रॉपर तरीके से सीख चुके हैं वही कुंभक सूर्य नमस्कार करें, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। कुंभक सूर्य नमस्कार का अर्थ ये होता है कि आप जब सांस जहाँ जहाँ ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, या तो बाह्य कुंभक या अंतः कुंभक का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं एक एक स्टेप बताता जाऊँगा ताकि कोई नए हैं तो सीख भी सकें कि क्या तरीका है और कैसे उसमें कुंभक लगाना है, उसका आपको ध्यान रखना है, तो जल्दी से हो जाएगा। और जिनको सरल कुंभ सूर्य नमस्कार चाहिए उसका डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप देख लीजिए। तो समय स्थिति पहला पोजीशन रहेगा, यहाँ पे आप नॉर्मल सांस लेते रहेंगे। पहला पोजीशन है नमस्कार, यहाँ पे नॉर्मल सांस लीजिए, ठीक है। दोनों हथेली इस तरह से आएगी, हमेशा हाथ को सामने से लाएं। दूसरे पोजीशन में आपको सांस लेना है और यहाँ पे अंतः कुंभक जितनी देर हो सके उतना लगाना है। मैं बताऊंगा कि कुंभक सूर्य नमस्कार को कौन कौन ना करे वो आगे। तो पहला सांस लिए और अंतः कुंभक करेंगे और रुकेंगे आसन में। अब यहां से सांस छोड़ते हुए आगे बढ़िए, पूरी तरह से पहले नॉर्मल सांस यहां ले लीजिए। याद रहे कि आपको जोर कहीं नहीं लगाना, जितनी सेकेंड आप रोक सके सांस को उतना ही रुकेंगे उस पोजीशन पे, फिर नॉर्मल सांस लेके वापस आएंगे। अब जो पोजीशन है आगे बढ़ने को, उसमें ख्याल रखेंगे कि सांस छोड़ना है कि लेना है। जैसे यहाँ आए, यहाँ सांस छोड़ते हुए हम आए, फिर एक सांस लीजिए यहाँ रुक के, और जब सांस छोड़ेंगे तो बाह्य कुंभक लगाएंगे। जैसे सांस लिया, अब सांस छोड़ते हुए बाह्य कुंभक, देर तक रुकना जितना कम्फर्ट हो सके। सांस फूल जाए तो धीरे से सांस लेके ऊपर उठिए। कुंभक सूर्य नमस्कार के काफ़ी फायदे हैं, हर आसन में आपका जो ब्लॉकेज है कहीं भी प्राण जहाँ से गुजर नहीं पाता उसको ओपन करेगा, लंग्स हार्ट की क्षमता को मजबूत करेगा और मन को बिल्कुल कंट्रोल कर देता है, आपका मन बिल्कुल नहीं चलेगा इस दरमियान। अब सांस लेते हुए जो अगला पोजिशन है, राइट लेग पीछे ले जाएं, और मेरा कहना है कि इसकी दूरी अच्छा रखें, कई लोग गलत तरीके से ऐसे कराते हैं, बस मैं इसी चीज़ का बताता हूँ कि ये गलत है, इसीलिए लोगों को इतराज होता है। तो इसको 90 डिग्री रखेंगे तो आपके थाई पे ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी, तो आपको ज़्यादा आप टोच को बाहर रख सकते हैं, तो ज़्यादा जल्दी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, यही बस मेरा कहना है। हाथ को आप ऐसे या ऐसे रख सकते हैं, जिनको नहीं जुट पाता ऐसे रखें, सांस लेते रहें। अब इसमें क्या करेंगे, सांस ले करके अंतः कुंभक लगाएंगे। जैसे सांस लिया, रोक के रखेंगे, आपको मैंने बता दिया आप आगे इस प्रोसेस को करेंगे, फिर सांस छोड़िए और घुटने के ऊपर उठाइए, फिर सांस लेके ये पांचवा पोजीशन, ऐसे भी सांस रोकने की व्यवस्था होती है दंडासन। इसमें ध्यान क्या रखना है कि शोल्डर रिस्ट एक लाइन पर हो, उंगलियां खुली हुई हो, छाती के बराबर दूरी हो,
बड़ी गलती क्या होती है, हमारा कमर इस तरह लटका रहता है, अदृष्टि सामने रहता है, ये गलत पोजीशन है। स्पाइन नेक को एक लाइन पे रखना है, कमर को शोल्डर के बराबर उठा के रखेंगे और हाथों को शोल्डर को लिफ्ट करके रखिए, तो इससे स्ट्रेंथ डेवलप्ड होगा और किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ सांस रोके रखिए अंदर, और जब सांस छोड़िए तो अष्टांग नमस्कार, पहले घुटना रखेंगे और छाती को दोनों हथेली के बीच में लाएंगे, जैसा एल्बो यहाँ पे कई लोग ऐसे रखते हैं, गलत है, एल्बो को अंदर रखें। किसी को बैक का इशू है, इस तरह नहीं रख सकते तो फ्लैट हो जाएंगे, लेट जाएंगे पूरी तरह, अदरवाइज सीधा। बैक वालों के लिए भी एक सूर्य नमस्कार है, जिनको स्पाइन का प्रॉब्लम हो, कमर दर्द, L4 L5 में प्रॉब्लम हो, उसके लिए अलग सूर्य नमस्कार है, उसका लिंक भी देख लेंगे। यहाँ पर नमस्कार सिर नीचे, अब यहाँ पे सांस छोड़ करके आपको बाह्य कुंभक में रहना है। मैं यहाँ पर आपका समय नहीं लेना चाहूंगा, तो जितना देर रुक सके रुक गए, फिर सांस लेके आगे बढ़िए, फ्लैट कीजिए फिंगर को बाहर की तरफ, दोनों पांव के बीच में हल्का सा गैप रखिए तो बैक पे प्रेशर कम आएगा, उंगलियां खुली रहे, एल्बो फिर बॉडी के साथ, और थोड़ा सा उठिएगा यहाँ पर। याद रखिए ये गलती यहाँ पर है, इस तरह से उठ के आप देखिए आपके कमर पे दर्द होगा, और पांव को अगर ऐसे रखेंगे तो और दर्द होगा, तो कमर पे दर्द ना हो इसलिए मैं सुधार के लिए बताया हूं कि राइट वे क्या है, कि थोड़ा सा एल्बो बेंड रहेगा और शरीर को उठा के रखें, इससे हार्ट, लंग्स और बैक मसल मजबूत होगा। यहां सांस लेके आप अंदर अपना सांस को रोकेंगे, अंतः कुंभक, और फिर धीरे से सांस छोड़िए और अधोमुख स्वान आसन में सांस छोड़ते हुए पूरा जाएं, तो ये आठवां स्थिति हो गई। और यहां पर फिर सांस लें, सांस छोड़ के बाह्य कुंभक के साथ साथ आप उड्यान बंद और मूल बंद यहां लगाए, जैसे जालंधर, तीनों बंद का इस्तेमाल कर दिया, सांस छोड़ा हुआ है, तीनों बंद, जब सांस फूल जाए धीरे से सांस छोड़िए और सांस लेते हुए राइट लेग को सामने ले जाइए, जिस लेग को लेके गए थे उसी लेग को लेके आएंगे तो देखिए इस बार बाएं पैर में स्ट्रेच हो रहा था, उसमें दाएं पैर में स्ट्रेच हो रहा था, फिर याद रखना है 90 डिग्री, यहां सांस लेके दृष्टि सामने कीजिए और अंतः कुंभक लगाएंगे, फिर सांस छोड़िए, फिर सांस लीजिए एक एक्स्ट्रा, फिर सांस छोड़ करके बाह्य कुंभक लगा के रहेंगे, फिर जब सांस फूल जाए धीरे से सांस लीजिए, यहां जब नॉर्मल हो जाए सांस, हमेशा हर स्थिति में सांस को नॉर्मल होने के बाद फिर आगे बढ़िए, फिर सांस लेके यहां रुकेंगे, सांस छोड़ करके प्रणाम आसन, फिर समय स्थिति। अब कुछ जरूरी बातें, ये दो सूर्य नमस्कार करेंगे तो जो लोग दावा कर रहे हैं 108 सूर्य नमस्कार कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, बेवजह सूर्य नाड़ी बढ़ जाएगी, वो मत कीजिए, आप मुश्किल से 2-3 करके देखिए, ये बहुत अंतर फील आएगा। करना कैसे है, नॉर्मल 4 सूर्य नमस्कार कीजिए और फिर कम से कम 2 राउंड कुंभक सूर्य नमस्कार को जारी रखिए, इस बात का ख्याल रखना है। अगर आपको सांस में तकलीफ है, अस्थमा है, हार्ट में कोई सीवियर प्रॉब्लम है, किसी तरह की हार्ट सर्जरी हुई है, तो आप बिल्कुल इस तरह के सूर्य नमस्कार को ना कीजिए, कुंभक नॉर्मल सूर्य नमस्कार कर सकते। कुंभक सूर्य नमस्कार उसी को करना है जिनका नॉर्मल सूर्य नमस्कार पे पकड़ हो गया है, वो जान रहे हैं कि कब सांस लेना है कब छोड़ना है, इस बात का ख्याल रखें। कभी भी सांस को रोकने में जबरदस्ती ना करें, सहजता रहे, और अगर स्थिति में जैसे हैं दिक्कत हो रही है नॉर्मल सांस लीजिए, और फिर आगे का जो क्रम में जिस तरह का सांस लेना छोड़ना बताया गया है उसको फॉलो करेंगे। तो ये ओवरऑल है। अब मेरी आपसे अपील है कि वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, इससे पहले कि चीज़ें डिलीट हो जाए, मैं चाहूँगा कि लोग उसको सीख सकें, उनके दिमाग में बैठ जाए, फिर कहाँ से डिलीट कीजिएगा। तो आज इतना ही, कोई सवाल रह गया हो कमेंट कीजिए, मैं जवाब दे दूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। सूर्य का तेज जारी है।